वाह भल उठाऊ दूध खाली उठाऊ भाषा ठीक कथा कर अरे अरे मु देखुची कोला अरे तते काटी देले चिड़े मांस हबो नुंदु ना 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 हां अरे खाली माड़ी बसी बोले उठी पारी उनुंदु ए अरे मते टक्कर दउजो आहा मुडा केमे ते स्थिर देखु जटी हां स्थिर हले सना अरे शब्द उठा क श्रुति मधुर हबो अरे पले कोन हो पागल पर लागबो तू त धंस हौचू मु त तळे पड़ीची तू परे पड़ी कौन धंस हो कहीं बाड़ी तो तू बसीचु मु धंस होना तू धंस धन तुम घर हाल भल नाई कार भल ना तुम घर हाल मु जानी तुम घर हाल भाषा ठीक कथा कर आम घर कथा भाषा मोर एपट सेपट हेनी तो तो स्त्री मत दैनिक फोन कर अना दिने फोन कला जे मु माड़ी बसिक उठेली फोन टा से सुजीटा माड़ी देली उठेली कले कि अच्छा दियर तुम्हें कुआ जीव आज हाँ हाँ ना देशर कहला देशर दियर कहीदेली भल ना जे आम कर दिह भल ना टे चल नब हाँ तोते मु चल नौ तू ब आ उठिबुनु मते चले कि नउछ आ सारे बुढा केते पैसा नउछि अरे सहेरे 14 टका घणी घणी के नउछि बुढा 14 टका नउछि तोर कोन के कमिले रणपुर थाना टी 3 घंटा से सोउछि टका टी के काकू भाईना छाडियो कहू न सेते भाई मु दहुडी काल जेते बाटो ए फुओ बोलो आजा 100 के 14 टका नउछि तू 19 टका नउछु तते दबाटा पानी रे पड़ी जियो काई कि रे तू कोन दउछु कि हे हे कोन हे हे को अरे पुआ बोलो 100 के 14 टका नाउछु तू आउछु कुआरे तो कुटुम पछिया कुरे अरे मते हिची करउछि रे दादा के देखउछु आया क्षमा करिवे असुविधा कोठेला आमे आसे पाला गया भाई अच्छा हाँ। ये मो कुटुम बसुछि तू जानी पान्नु तू सानो भाई मु बडो भाई आ याडे पाटु कुआ भाषा अरे तू आ बुझे देवी आ आ आ आ तू भल पा मु जानी आम गाँ गहली तू भल मु कहीं कहली तो कुटुम पशा तू कौ कर्म करचु पालार मु कौ कर केते सुंदर कथा अच्छा तू जो मृदंग बजाऊ रात की केते पाउचु 800 जदि बैचान्स तोर गोटे अघटन हो गला तोर फाटी गला मृदंग फाटिले खर्च होर्च तु रात पाइल 800 तोर फाटिले 1600 बलिला के मृदंग बोली कह मोर कौन हाँ से मृदंग केते बलिला रे भाई फाटिले 1600 खर्च हो बाकी आमर के फाटुची झांज जो 14 टंका नौचु आयरन करी की थौचु तोर फाटी गला रे तो स्त्री आसी की धारे नौ ए गला बेले बेले कुह बस जगह रे घोळी गना बस बाऊ जी ए घड़ घड़ पाला हला श्रृंखला ए घड़ घड़ रे जनरेटर लागी के मुडिए हां श्रृंखला परे लागु छे लाइन ने आसी के मु फोन फाने करची किछ आ व्यस्त नै विद्वान पंडित वर्ग के बे कल्याणमयी ममतामयी महियसी मां माने मोर श्रवण करंतु ठीक पवित्र प्रतियोगिता मूलक पादपालर तृतीय रजनी प्रथम पर्याय आलोचना समालोचना पर्यालोचना व्यसित प्रतियोगिता पादपाला आज्ञा पादपाला प्रतियोगिता मूलक पादपालर परम धर्म परम कर्म परम कर्तव्य अटे तेणु आम आम विषय वस्तु को पदार्पण करवा कवि लिखिले कुरुवंश सम्राट जा नाम धृतराष्ट्र श्रेष्ठ राजा थिले महाबली धृतराष्ट्र जे कि सत्य नंदन 100टा पुत्रंकर जनक थिले पिता थिले जे कौरव नाम रे ख्यात अर्जन करथिले पांडुंकर पांच पुत्र थिले जे पांडव नाम रे ख्यात अर्जन करथिले तेनु कौरव एवं पांडव 105 पुत्र सतगुरु द्रोणाचार्य आश्रम विद्यार परिसमाप्ति परे पवित्र तिथि गणेश चतुर्थी
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର 104 ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପୁଛା କଲେ, ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେନି। ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା। ତେଣୁ ଇତ୍ୟବସରରେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର 104 ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅମୀୟ ଲିଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ଫଳ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ଫଳ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଏସେ ଦେବେ ନା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ? ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖିବା ଏ ଭୁ ଏବଂ ରୁ ଏ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ମହାତ୍ମ କ'ଣ? ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାରଣ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ମଣିବା ନାହିଁ, ଭାବିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ତୁଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅମୀୟ ଲିଖନୀରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ମୁଁ ହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭେର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦର ଅର୍ଥ ବାହାରିଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବା ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏପରି ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ବାଢ଼ିଲା, କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଧନ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ ଅଧେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଅମୀୟ ଲିଖନୀ ଚାଳନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ
एक जड़ पदार्थ सहित तुलना कले चामर एक जड़ पदार्थ चली पारे ना बुली पारे ना मनर भाव को परिप्रकाश करि पारे ना आम हस्त आम जमी व्यवहार करवा आम द्वारा सेमती व्यवहारित हो शरीर रूपक जड़ पदार्थ चेता केमी आसे ना चेतना कहार आशोई हेले गुरु आश्रित गुरु चरणाश्रित हेले जाई जड़ पदार्थ रूपक मनुष्य शरीर रे आज्ञा चेता सृष्टि हुए तेणु गुरु नाम जपिबा के गुरु आज्ञा ना सद्गुरु उत्तम गुरु शरणापन्न हवा तेणु लिखिले अच्युतानंद दास भविष्य मालिकार पदे कहे सदगुरु नाम स्मर जेबे भवन दि स्मरण कर आज्ञा कामना रहित भाव काय मन वाक्य को एक करी गुरु शरणापन्न हो जा निष्काम साधना कर आज्ञा ए सब समस्या समाधान पाई जगत गुरु करमला मठ निवासी गोटे पदर उल्लेख कले ये सचराचर विश्व रे आज्ञा गुरु किए से ना ये कही गुरु भगवान अरे जड़े गुरु से किए से ना से हेले भगवान ये भगवान पदद्वय को ये कली जुगरे जे माध्यम स्वरूप दर्शाई दौर से हेले गु एवं रु तेणु गुटि गुण रूपर्णम रूपवर्जितम बेनिवर्णम समाचुक्तम तस्मे श्री गुरवे नमः आज्ञा गुअर्थ अंधकार रुअर्थ दूरीभूत आम भितर थिबा अज्ञान रूपक अंधकार को दूरीभूत करी जे ज्ञानर प्रदीप जळी दियंती से हेले गुरु तेणु कलि भागवत प्रमाण देले कहले सदगुरु जेबे मारे बैठा सद्गुरु उत्तम गुरु कहा को तबे पाद टिकी गोइठा मारंती नै कोन करंती सदगुरु जदी मारे गोइठा अंधार घरे जळे बैठा सदगुरु के कहिलु रे सिरिया सदगुरु हां जे विद्या शिक्षा करिंती धन्य 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 विद्या शिक्षा देले हां अरे बस धन्य तथापि तू ज्ञान पाइनु केड़े बड़ डेंगा हलो ज्ञान पाइनु तू कहिलु सदगुरु के सदगुरु हला निज भाज्या निज भाज्या सदगुरु जदि मारे गोइठा अंधार घरे जले बैठा अर्थ पाला आम राति भांगुचे ना दिन राति अंधार थी भांगुचे जा घरे शयन करचे निद भागिलानी दि घड़ी बेल हो गले आलोक है स्त्री कहले स्वामी अंधारे आसल एवं आलोक है उठ 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 निद भागुनी सीधा गले सदगुरु जदि मारे बैठा अंधार घरे जले बैठा देखंतु आज्ञा मु बाबिली मो पिलार 32 चारो सोलटा दांत कोडे गला ना या स्त्री या को गोइठा मारु मारु केते बेले मुख को पकाइ दै छी ना सेबा तो सोलटा नाको दांत एत्ते बेले गळी पड़ी छी से नाही मा सीट पर टियाट से दिने सेवा कर गो लाइन कटि गला बे जिंदी लाइन कटि जाई छी कोन कहूचे कोन जानु छी मु खिचि जानि पन्नु आर्य संस्कृति रा सर्वश्रेष्ठ गण चेतना रूपक लोक शिक्षा कला हला पाला बे हरे पुओ बोलो तोटर हम समाज कोन शिक्षा लाभ करबो कोन आज्ञा स्त्री को गोइठा मारु छी नाही म से चकटु थला से दिन लाइन कटि गला ऊपर आरे ख पाद पड़ी गला तड़पट खसी गला स्त्री रा धर्म कोन जानि छी कोन से स्त्री रा धर्म कोन जानि छी कोन ताकु जाई के जणे देबो भाटपाड़ा को हमें जाइतिलु प्रतियोगिता मूलक पादपल्ला गाइबो कोन से सेवा करनु के
ସିଏ ତ ମୁଁ ଏମିତି ସେବା କରୁଛି ମୋ ଦେହରୁ ଅଳସ ଛାଡି ଯାଉଛି। କଣ କଣ ଅଳସ ଛାଡୁଛୁ? ଅରେ ତିନିଟା କମଡ଼ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ପାଲା ଶେଷ ହେଇଯିବ ଘରକୁ ପଳେଇବି, କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲଣି ଆସ, ଅଧା ଅଛି କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କମଳ ପାରିଦେବ ମୋତେ କହିବ ଶୟନ କର, ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ଗୋଟେ କମଳ ମଡ଼େଇଦେବ, ଏ ଗୋଟା ଆଡ଼ୁ ଚକଟି ଆସିବ, ସେବା ପରିଷ୍କାର ସେବା କରିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ଛାଡ଼ିଯିବ। ହେଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଚେତନା କଳା ହେଲା ପାଲା। ହଁ, ଏ ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶ୍ରବଣ କର। ବେଶ, ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? କଣ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କଣ କଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶୁଣ। ହଁ ହଉ।